दर्शन हो गए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ सदाकत आश्रम में बिहार में, जहाँ पर पार्टी कार्यालय में, यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में सभी इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पर सभी की नियुक्ति होनी है, कौन चुनाव में किसको टिकट मिली है नहीं मिली है, इसके ऊपर आज हमारे साथ कुछ प्रत्याशी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उसका मेरा नाम कुमार संजय मूर्ति झा है, मैं सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में कंटेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल 2020 का साल का वर्ष है, वापस बिहार में पूरी मेजोरिटी में ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, टूट चुकी है वर्तमान शासन और हर क्षेत्र में हर स्तर पर वर्तमान सरकार फेल हो गई है। आज पलायन, बेरोजगारी, बाढ़, कोरोना, हर जगह बिहार की सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा कुछ भी नहीं, सारा व्यवस्था अभी समाप्त है। कांग्रेस देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस की टीम इससे मजबूत है, लगन है, यंग लीडरशिप है और कांग्रेस हर क्षेत्र में जिसकी जरूरत है वो करने वाली है। बिहार की जनता को एक मजबूत विकल्प देने वाली है। रोजगार के लिए क्या करिए, क्योंकि आपने पिछले काफी सालों से रोजगार का यहाँ पर किसी तरह का कुछ भी नहीं है। बाढ़ आपने देखिए, हर साल यहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और अभी आपने देखा होगा कोरोना काल चल रहा है तो इस दौरान भी काफी परेशानी हुई है यहाँ की जनता को, तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है। का प्रश्न है, बिहार जो है मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, आज भी 74% आबादी कृषि पर आश्रित है। तो मैं सोचता हूँ मेरा जो विजन है कृषि आधारित उद्योगों की एक जाल बिहार के हर जिले में, हर ब्लॉक लेवल तक एक जो भी कृषि उत्पाद है, जैसे पटुआ होता है, मखाना होता है और कई सारी फसलें हैं, चावल की है, बासमती चावल की खेती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, तो किसान को एक वैल्यू एडिशन मिले और उनको एक क्योंकि इनकम के ऊपर सारा कुछ है और कृषि क्षेत्र में वो संभावना है जो रोजगार दे सकता है। मेरा नाम राजेश कुमार पासवान है और मैं जमुई जिला का सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ और आज यहाँ पे कांग्रेस कटाश्रम में हम लोग यहाँ टिकट के लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम जैसे युवाओं को भी इस बार मौका मिले तो हमारे क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम करके संगठन को बढ़ाने में और समाज को सेवा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जो किसान पैदा करता है उसका फसल का दाम किसान तय करे,
जो नहीं पैदा करते हैं, जो नहीं जानते हैं उसका दाम निर्धारण करते हैं कांग्रेस पार्टी चार सौ पचास रुपये और आपको आज यहाँ पर मीटिंग बच्चों का मेरा नाम विकास शुक्ला हुआ, मैं प्रखंड कांग्रेस कमेटी का हूँ यहाँ जम्मू जिले के आज यहाँ चाचा जी ने जो जनता ने जो मैंडेट दिया, जिस विश्वास के साथ गठबंधन के अपने उस समय थे और बिहार की जनता नेता के रूप में स्वीकार की और सभी लोग साथ में थे, लेकिन केवल सत्ता के लोभ में जिस तरह से इन्होंने जनता के उन मतों का अपमान किया है, जनता उन्हें माफ नहीं करने जा रही है। और इस बार जो NDA गठबंधन है वहाँ अगर उनके प्रत्याशी जमानत शायद बचा लें तो किसान के लिए कैसा होता है व्यवस्था जो हमारे पास है ये चिल्ली है कि हम उस व्यवस्था में हर तरह से तैयार हैं और वैसा कहीं कोई अनुमति नहीं है सरकार के पास कि आज के तारीख में सेवाएं जुमलेबाजी उसके अलावा निकल नहीं पाए हैं और दोनों एक दूसरे के जुमले में ही सरकार चल रही है और बिहारवासी को और रूप में भी बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो मौजूदा गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा है इस स्वरूप भी विकल्प बन के आएगा और यही विकल्प बेहतर सरकार देने में सक्षम है। पहला सवाल आज का जो दिन है वो बने बने
बहुत ही ज्यादा बात नहीं की, आज का दिन उसी के कांग्रेस सोचती है, जनता क्या सोचती है, खुद तो जनता को दे रहा, वोट कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं दे रहा, हम लोग नहीं सोचते। कांग्रेस के जमाने में तो 5% वोट वाला हम उम्मीदवार है, आपकी जाति के चुनाव के लिए आप 5% हम क्या सोचते हैं, हमारे कैडर क्या सोचते हैं, किसी पार्टी को जनता का Thank you.